कोई ना, थोड़ी अच्छा लगता है। जी वो सीन बारिश वाले ही लग रहे सर वहां। जूम करने के बाद फिर वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। कोका-कोला की भी तो लो। सही बोला सर आपने। कोई फॉरनर ही रहा होगा जो ये कोका-कोला लेके आया हुआ है, हैं? नेपाली लद्दाखी भी हो सकते हैं। हो सकता है सर। दारू भी चढ़ाते हैं लोग। अच्छा, मगर बुद्धा में दारू सर? लद्दाखी लोग हो रहे हैं बुद्धिस्ट में। अच्छा सर, क्या सीन है सर, देखिए बंजर जगह में भी खूबसूरती है सर, एक्सेप्ट कर लो सर प्लीज। नहीं है तो सुन प्लीज सर। देवभूमि देवभूमि है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर इसको भी एक्सेप्ट कीजिए सर। ये देखिए कैसी कैसी जगह बन रही है यहाँ, ये देखिए। चलिए दोस्तों, हमारा मेरा और सर का बस यही रहता है कि नहीं, उत्तराखंड बहुत बेस्ट है, वो वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ के व्यूज़। और मैं बोलता हूँ सर, नेचर तो नेचर है, हर जगह अपना अपना दिखाता है कि भाई मैं यहाँ पर इस तरीके से हूँ और वहाँ वैसे हूँ। अब यहाँ पर देखिए, कुछ कुदरत अच्छा था, कुछ यहाँ के लोगों ने इसको इसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा दिए। ये देखिए व्यूज़ तो आपने देख ही लिए, और ये बुद्धा देखिए, अगर यही हमारे यहाँ उत्तराखंड और उसमें होता ना, तो यहाँ पे आपको पॉपकॉर्न और इसकी थैलियाँ, मैगी वगैरह, पता नहीं क्या क्या थैली मिल के गंदा करके रख देते। मगर यहाँ पर देखिए क्या जगह है, एक छोटा सा टॉफी का रैपर भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए सैल्यूट है इन लोगों को, इन्होंने इसे सजा के संवार के रखा हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। क्या ये नहीं आया होगा।